सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं ऐसे तीन वेबसाइट लेके आया हूं जहां पे अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी कोड और वो भी फ्री में। जैसे कि आपने वो इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जिनके बायो में एक लिंक रहता है, उस लिंक पे आप टैप करते हो तो वो एक पेज खुलता है और वहां पे उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक होते हैं। तो वैसे ही वेबसाइट आप बना सकते हो वो भी फ्री में बिना किसी कोड के अपने बिजनेस या सोशल मीडिया हैंडल इन सब चीजों के लिए। तो यार हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो लेट्स बिगिन। तो पहला वेबसाइट है ज़ैप। इस साइट पे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी कोड और वो भी फ्री में। और तो और आप इस पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, आपके खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आप इस पे डाल सकते हो। जब आप इसके प्रो सेक्शन में अपग्रेड करते हो तो आप अपना खुद का डोमेन यूज कर सकते हो। पहले तो ये ज़ैप का डोमेन यूज होता है, अपग्रेड होने के बाद आप अपना खुद का डोमेन यूज कर सकते हो, ज़ैप की ब्रांडिंग लोगो हटा सकते हो, वाटरमार्क, और तो और आप इससे न्यूज़लेटर भेज सकते हो ईमेल से, वो भी डेली। दूसरा वेबसाइट है कार्ड। सिंपल, फ्री, फुल्ली रिस्पॉन्सिव वन पेज साइट, सेम है ज़ैप की तरह। लेकिन जब आप इसके प्रो सेक्शन में अपग्रेड होते हो तब आपको मिलता है कस्टम डोमेन, फॉरम्स, गूगल एनालिटिक्स, मोर साइट्स, एम्बेड्स प्लस विगेट्स एंड नो ब्रांडिंग। अब आपको ये चीज समझ ही गया होगा, आपको गूगल एनालिटिक्स भी मिल रहा है और तीन से ज्यादा वेबसाइट बना सकते हो एक कार्ड अकाउंट से, क्या ही चाहिए। सो लास्ट वेबसाइट है बिल्डियर। नो कोड स्पीड, फुल कोड फ्रीडम। ये वेबसाइट तो यार एक स्टूडियो ही है जहां पे आप अपना वेबसाइट कैसा भी बना सकते हो, कैसा भी। और इस पे वेब 3 का फ्यूचर मिलता है, यानी कि ब्लॉकचेन, जो बाकी के पिछले वेबसाइट में नहीं था, जो मैंने दो वेबसाइट बनाया था उसमें नहीं था। तो यार ये वेबसाइट तो ट्राई करना बनता ही है, ब्लॉकचेन का फीचर दिया है और भी कई चीजें इसमें, एक स्टूडियो है सीधा, मैंने कह दिया ना एक स्टूडियो, आप अपना वेबसाइट कैसा भी बना सकते हो। तो यार ये वेबसाइट ट्राई करना तो बनता ही है। सो यार आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आने वाले समय में ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हो तो यार उस बेल आइकन को भी जरूर दबाना। और क्या, बस इतना सही। और हाँ, थैंक यू।